फ्रेंड्स ये थे आप लोग, उम्मीद है सब फसलात होंगे। आपके घर वाले आपको मेरा सलाम और आप सबको रमज़ान मुबारक। ये मेरी रमज़ान की फर्स्ट वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में आपको मैं सबसे बेहतरीन चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ कि विंटर स्ट्रीट्स में आप लोगों को बता दी थी और माशाल्लाह तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी रही होगी। इसी तरह से मैं आज आप लोगों को बताऊँगा समर स्ट्रीट्स के, समर स्ट्रीट्स किस तरह से बनाई जाती है। देखिए, बाहर से लेने से अच्छा है कि आप खुद से अपनी चीज़ें परचेज करें। खुद ही अपनी परचेजिंग करने के बाद आप खुद से ही अपनी घर में सीट्स बनाएं, उनको साफ़ सुथरी दें, क्योंकि बाहर से आपको कचरा टाइप की सीट्स मिलती है। ठीक है, घर में आपको बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन सीट्स मिलेंगी। मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा कि कितने कितने आपने क्या क्या डालने हैं। 25 किलो सीट्स की मैं आपको रेसिपी बताऊंगा। ठीक है, उसमें कैनरी सीट जो है, कैनरी सीट मुझे पता है यार बंदा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिलहाल मैं तो 3 kg डाल रहा हूँ उसके अंदर। अगर आप लोग चाहें तो कैनरी सीट 2 kg भी डाल सकते हैं और कैनरी सीट 1 kg भी डाल सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को अफोर्ड कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से मिक्स करते हैं और क्या क्या चीज़ें डालते हैं। चलाएँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, अभी हमने क्या करा है, सबसे पहले जो लिए आपने ये ली है बारीक कंगनी। ठीक है, ये बारीक कंगनी कहलाती है। ये देखें इस तरह होती है, इस तरह की होती है बारीक कंगनी। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि यार बारीक कंगनी में फ़र्क क्या है, मोटी कंगनी में क्या फ़र्क है। ये आपकी बारीक कंगनी है, ये आपने लेनी है 5 kg। ठीक है दोस्तों, और बारीक कंगनी के साथ साथ ये आ गई आपकी मोटी कंगनी। देखिए इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंट है, डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट हैं ये। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। देखें, ये आपकी मोटी कंगनी होती है, ठीक है, ये आपकी बारीक कंगनी होती है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने 5 kg लेनी है और ये कंगनी भी आपने 5 kg लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कंगनी आप 5 kg लोगे। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों ने लेनी है कैनरी सीट। ठीक है, कैनरी सीट बहुत महंगी होती है, काफ़ी सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने कैनरी सीट सिर्फ और सिर्फ 3 kg रखी है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप इसको 2 kg भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 kg कैनरी सीट आप लोगों के लिए बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा इसी तरह हमने ये बाजरा ले लिया है। ठीक है, बाजरा जो हमने लिया है, बाजरा भी हमने 5 kg लिया है। ये हमने बारीक बाजरा ले लिया है 5 kg। अगर आप लोग चाहें तो 2.5 किलो बारीक, 2.5 किलो मोटा बाजरा भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने ये 5 kg बारीक बाजरा ही लिया है। ठीक है, इसी तरह हमने ये लिए है जई। जई अच्छा, मैंने 2 kg लिए, तो जई होती भी ठंडी है। ठीक है, वैसे भी आजकल मौसम ठंडा हो चुका है तो जई भी ठंडी है, तो इस वजह से हमने ये जई भी 2 kg ले लिए है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने लिया है सनफ्लावर बीज। ठीक है, सनफ्लावर बीज भी हमने ये 1 kg लिया है, क्योंकि पहले हम लोग ज़्यादा डाल लेते हैं, लेकिन अब जो है ना मौसम आपका बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस टाइम पे गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो समर सीड्स ये बन रही है, तो इसके लिए आपने गर्म चीज़ें कम कर देनी है। ये आपने 1 kg ब्लैक बीज लेना है, ये सनफ्लावर बीज जिसको बोलते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं भंग बीज पर। ठीक है, ये भंग बीज आपने लेना है 1 kg ही खाली, आप भंग बीज ले लो इसके अंदर। ठीक है, भंग बीज वैसे ठंडा होता है, अगर आप चाहो तो इसको 2 kg भी ले सकते हो, 1.5 kg भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये 25 kg के अंदर 1 kg सिर्फ और सिर्फ भंग बीज डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद आप आ जाएँ। ठीक है, ये आ जाती है आपकी हुड़तम। ठीक है, हुड़तम भी हमने 1 kg ली है। ठीक है, 1 kg से ज़्यादा हमने हुड़तम ही लिए, हुड़तम भी हमने 1 kg ही लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब बात करते हैं हम इसकी भुट्टे की। ठीक है, ये होती है मकई, कटा भुट्टा भी बोलते हैं, मकई भी बोलते हैं। अच्छा दोस्त, काफ़ी सारे लोग हैं जो इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताते नहीं है, जबकि बर्ड्स ये बहुत ज़्यादा शौक से खाता है। ठीक है, और ये आप लाजमी इसके अंदर समर सीड जो होती है इसमें आप लाजमी इसको भुट्टे को डालें। ठीक है, ये भुट्टा आप लाजमी इसमें अपनी सीड्स के अंदर ऐड करें, ये भी बहुत ही अच्छा है और बहुत शौक से भुट्टा खाता है लबड़ वगैरह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं लाल बाजरे की, उसकी लाल चावल की। लाल चावल भी आप 1 kg ले लें, ज़्यादा ना लें, लाल चावल भी ठंडा होता है, तो ये ठंडे सीड्स आप बना रहे हो, बिल्कुल ठंडी सीड्स होती है आपकी। ठीक है, तो इसी वजह से हमने मौसम के हिसाब से, जब जैसे ही आपने देखा था कि हम लोगों ने विंटर सीड्स के अंदर ना ये ऐड करा था, ना ही हमने ये ऐड करा था। ठीक है, और भंग के बीज भी हमने समझ ले 50% रखे थे, लेकिन हमने इस टाइम पर ये तीनों चीज़ें एक साथ ऐड कर लिए। ये भी हमने ऐड कर लिया है भंग के बीज। ठीक है, ये भी हमने ऐड कर ली है और हमने भुट्टा भी ऐड कर लिया है।
ठीक है। अच्छा इसमें से दोस्तों देखिए पूरी सीड्स के अंदर आपको कहीं पे भी काली सरसों और रेड सरसों ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो होती है गरम, ठीक है, सरसों दोनों गरम होती है, इस वजह से हमने इसका बायकाट कर दिया। लास्ट टाइम हमने इवियन कैप्सूल भी डाले थे इस सीड्स के अंदर, तो इवियन कैप्सूल का भी हमने बायकाट कर दिया, ठीक है। लास्ट टाइम में हमने इसके अंदर फ़िश ऑयल भी डाला था, ठीक है, फ़िश ऑयल भी हमने इसके अंदर से बायकाट कर दिया। D3 डाला था, D3 भी हमने इसमें से बायकाट कर दिया, क्योंकि ना ही ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, ठीक है। और ये आपकी अभी इस टाइम पर समर सीड्स बन रही है, तो ये समर सीड्स है पूरी की पूरी, ठीक है। मैंने आपको पूरा रेसिपी आपको बता चुका हूँ कि किसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, देखिए। अच्छा जी दोस्तों, इसमें आपने 5 किलो बारीक कंगनी डालनी है, 5 किलो मोटी कंगनी डालनी है। अच्छा मोटी कंगनी से याद आया, मुझे कंगनी से याद आया कि लास्ट टाइम हमने इसके अंदर विंटर सीजन के अंदर रेड कंगनी भी ऐड करी थी, तो इस टाइम पे आपने बिल्कुल भी रेड कंगनी का बायकाट कर देना, क्योंकि रेड कंगनी गर्म होती है, तो रेड कंगनी बिल्कुल भी आप लोग नहीं डालिएगा, क्योंकि रेड कंगनी विंटर सीजन के लिए होती है, समर सीज़न के लिए नहीं होती है, ठीक है। अच्छा 5 किलो, 5 किलो और ये 5 किलो, 15 किलो की हमारी रेसिपी स्टार्ट हो गई, सही है। 3 किलो हमने कैंडी स्टील ले लिया, 18 किलो हो गया, 19 किलो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये पूरी की पूरी मिलाकर 25 किलो की हमारी रेसिपी हो गई, ठीक है दोस्तों। 25 किलो रेसिपी के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने डालनी है, कोई इसके अंदर कोई भी अलग बेवकूफ़ वाली चीज़ें नहीं डालनी कि इसके अंदर आप लोग इसके अंदर शरबत डाल रहे हैं, क्या वाइडलिन डाल रहे हैं इसके अंदर, क्या आप इसके अंदर जो भूख का सिरप होता है वो डाल रहे हैं, कोई भी इस टाइप की कोई भी एक्साइटेड चीज़ नहीं डालनी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे ही ढक्कन खुलता है चीज़ का और वो चीज़ एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने दवाई निकाल के एक केप अगर दवाई निकाल के आप भाग छोड़ दो तो फिर से वो पीते नहीं हो, आप खुद भी नहीं पीते हो, आप उसको उठाकर फेंक दो, बल्कि दूसरी आप दवाई निकालते हो शीशी के अंदर से, ठीक है। तो इसी तरह जब आप बाजरे में डाल दोगे, आपका 15 दिन का अपने बाजरा बनाया तो 15 दिन तक वो बाजरे में पड़ी रहेगी बाहर ही, और इस तरीके से एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आपने कोई भी शरबत वाली कोई भी चीज़ नहीं डालनी। चले अब मैं आपको इसको मिक्स करने का तरीका बताता हूँ कि मिक्स किस तरह से इसको करना है, वन बाय वन,